भाई वहां मशहूर हो कि जहां पर मलाइका भी तुम्हें सुने। वो जैसे उस्ताद शहीद कहते थे कि हम तो वहां जाके भी सुनाएंगे, वो सुना रहे होंगे, वो यकीनन सुना रहे होंगे। तभी तो आप आज देखें ना, कौन सा ऐसा मरसिया, कौन सी ऐसी मजलिस है आज, चाहे कराची की हो चाहे पूरी दुनिया की हो, उस्ताद के कलाम के बगैर कोई मजलिस हो रही हो? कोई मौजजा नहीं है। अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मद व आले, ये शोहरत है ना, आली 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 मदद हक, ये है ना शोहरत, ये शोहरत है ना। खूब सादा जिंदगी, SMS पे आ जाना, वही बाइक, वही चंद शर्टें, ना कुछ लेना, कुछ लिया भी तो किसी और को दे दिया। खूब कितने मशहूर लोग फिर भी जानते थे। खूब अब कितनी शोहरत है। अब क्या वो उस्ताद वीडियो बनवा बनवा के अपने आप को मशहूर करवा रहे हैं, या मतलब पैसे दे रहे हैं वो, क्या है? क्योंकि किसी और आलम में मामला कोई और है, मामला कोई और है। हुसैन जितना बड़ा बादशाह इस आलम में है, उससे बड़ा करीम उस आलम में है। ये खूब हमारा हदफ यही अज़ीज़ान मोहतरम, जवानों से कह रहा हूँ, खूब ज़्यादातर आजकल मोबाइल जवानों के हाथ में, बुजुर्ग तो हाथ में तस्बीहें हैं माशाल्लाह, अल्लाह उन्हें सलामत रखे। हम मोबाइल जवानों के हाथ में है, मज़े भी जवानी लेता है, उसको भी थोड़ा चलो तफरी है, चलो फॉरवर्ड कर लो ना। मीडिया सेंस, मीडिया लिटरेसी बहुत ज़रूरी है सोसाइटी के अंदर, नहीं सिखाई गई हमें, तभी तो हमें हर चीज़ मार रही है चारों तरफ से। हम मजबूत हों, बल्कि हम कोई ऐसा काम करें जिससे दुश्मन की नींदें हराम हों। उल्टा करें ना, ना कि रिएक्ट करें बल्कि एक्ट करें, और ऐसा एक्शन लें कि उसे रिएक्शन करते हुए समझ में ना आए कि अब मैं क्या करूं। इतना इमाम हुसैन के जिक्र को इन दिनों में आम कर दें, सिर्फ हुसैन 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 करते रहे कि अगर वो कुछ करना भी चाहे तो इस आवाज में इतना दब जाए जैसे यजीद लहीन वहां दब गया था। लबैक या हुसैन, लबैक या हुसैन, लबैक या हुसैन, या अली या अली या अली मदद हक। यही है स्ट्रेटजी, इसे डिजाइन करें, मेहनत करें। जवान है माशाल्लाह, अल्लाह ने आप सबको सलाहियतें दी हैं, ब्रेन दिया है, अकल दी है, काम दिया है। आप एक कदम बढ़ाएंगे, खुदा 10 कदम खुद आ जाएगा। आप कोशिश तो करें, निजाम कायनात का आपके इख्तियार में आ जाएगा। क्यों? क्योंकि साहेब कायनात ने जिस इमाम को बनाया है वो हमारा ही तो है, और किसका है? अब सब कुछ हमारे पास है, हम सलाहियतों को उजागर करें। हम देखें करबला में जो हीरे थे चमक रहे थे, उनकी जो मुनक्कस हुई हुई रोशनी है, उनको अपने कलबों में ले लें, ताकि हम भी उस आलम में कि जहां पर हीरों को खरीदा जा रहा है, हमारी भी कोई कीमत लगे। बस कोशिश यही करें, इन चंद दिनों में अपनी कीमत लगाएं। मेरी क्या कीमत लगती है भाई? जिसकी कीमत लग गई, अल्लाह अकबर।